जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा। पर्दे पर अपनी पत्नी देवी की नाक में दम करने वाले अधिराज यानी क्रिप आज अपनी डियर वाइफ के साथ खोए हुए हैं इस रोमांस में। तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा। हे धिकता ना तिकता ना धिकता ना धिक धिकता ना तिकता ना धिकता ना भाभी मेरी तुम्हें थैंक यू मिलकर सभी पर देवी को अपने पैर की जूती समझने वाले अधिराज रियल लाइफ में लगे हैं धर्म पत्नी के लिए चाय बनाने में। जी हाँ, यही है क्रिप की असली दुनिया। कभी सावित्री के राहु, कभी साडा हक के प्रोफेसर वरदान, तो कभी कलश के रवि, और अब जीत गई तो पिया मोरे के अधिराज क्रिप कपूर सूरी एक के बाद एक सालों से छोटे और बड़े पर्दों में अलग अलग किरदार निभाते रहे हैं, लेकिन सफलता का पहला स्वाद उन्होंने चखा है। तो चलिए इस सब की शुरुआत करते हैं क्रिप को गुड मॉर्निंग कहने के साथ। लव यू जिंदगी। सो आइए आइए प्लीज। सो आज मेरे घर पे सास बहू और बेटियां पधारे हैं, क्या बात है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। वेलकम वेलकम वेलकम। क्रिप को गुड मॉर्निंग तो कह दिया, अब बारी है क्रिप के घर की सैर करने की। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्रिप के द्वार से, यानी कि दरवाजे से। So it's called Hamza hand. तो सबको मालूम है Hamza hand का मतलब क्या होता है? This eye and the कमल, कमल जो है वो बुद्धा को और हिंदुइज्म जो है उसको दर्शाता है, और आई जो है वो इट हैज मेड लाइक, ये बनाया है सिमरन ने, मेरी वाइफ ने, सिमरन कपूर सूरी। तो बेहतर होगा कि वो आकर एकदम से बाजू में बताए कि रात को 5 बजे ये कैसे बनाती हैं। रात को 5 बजे बनाया उन्होंने, कैसे बनाया आपने? इनके इंतज़ार में बनाया। इनकी वेट करो, और ये कहते हैं मैं 1 घंटे में आ रहा हूँ, बस 1 घंटे में आ रहा हूँ, और मेरी पूरी ड्राइंग, पूरी पेंटिंग कंप्लीट हो गई, और ये 5 बजे तक सुबह आए नहीं। मेरे बाबा साईं बाबा, आई रियली बिलीव इन साईं बाबा, और अगर आप वहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो उनकी आंखें भी ऐसे चलेंगे। 3D बाबा, ये है तो हम हैं, ये नहीं तो हम भी हैं। हुआ है आज पहली बार जो छोटा सा मंदिर है जहाँ पे हम सभी बैठ कर पूजा करते हैं। ये दो छोटी छोटी पेंटिंग्स आप देख रहे हैं, ये भी हमारी बीवी ने बनाई है, सिमरन कपूर सूरी। माय फादर, वी ऑल मिस हिम। ये मेरी छोटी सी पिक्चर है, जब मैं बहुत आई थिंक तीन साल का था, दो साल का होगा मैं। पंजाब में थे हम लोग, जलंधर, और ये जो आप देख रहे हैं ये मैं क्रिकेट खेला करता था बीच में। मुझे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था, अगर मैं एक्टर ना होता तो क्रिकेटर होता। कुछ मेरी यादें हैं जो हर एक शो से ताल्लुकात रखती है। मेरी ये फिल्म है बेमला पगाली वाला, इससे ताल्लुकात रखती है, करीब है, क्योंकि मेरी माँ है उसमें, उस वाली पिक्चर में। ये तो आप देख ही सकते हैं, टू लव बर्ड्स इन द एयर, टू लव बर्ड्स इन द एयर हेयर,
एंड टू लव बर्ड्स इन द एयर, यहाँ पे भी ये मेरे बड़े भाई साहब हैं जो आज है नहीं, मेरे माता पिता एक साथ। एक कोलाज गिफ्ट किया था मेरे बड़े भाई साहब ने मेरे जन्मदिन पर। जो तितलियाँ देख रहे हैं आप, देखिए ये सिमरन ने बनाई है, बड़ी जीप सी, जहाँ तितलियाँ देखेंगे वहाँ पे भी बड़ी बड़ी भी सामने भी है। देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। और अब मिलिए क्रिप के घर की सबसे क्यूट मेंबर से। छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं, हम जैसे देखे ये। ये बहुत लाडली है, ये सबकी बहुत लाडली है, ये जान है, ये प्रिंसेस है, राजकुमार। ये देखो स्टाइल है इसका, she has her own style. चलो आर्या कपूर सूरी, आर्या के साथ हम चलेंगे चाय बनाने। आ जाओ, look at here now, चाय। जैसे कि मैंने कहा कि मेरे बड़े भाई साहब तो है नहीं यहाँ पर, वो किसी काम से गुजरात गए हुए हैं, एंड उनकी धर्मपत्नी मेरी भाभी she is here, आयरा कपूर सूरी की जो मदर हैं, तो हम साथ में रहते हैं। मैं अपने हस्बैंड से ज़्यादा बातें इनके साथ शेयर करती हूँ, जो मुझे उनसे प्रॉब्लम होती है, सब कंप्लेंस यहीं आती है। वो सी फैमिली में अगर बातें शेयर ना करें तो एक दूसरे के साथ तो बॉन्डिंग कैसे बनेगी। आई थिंक एक फैमिली में रहते हैं, एज अ जॉइंट फैमिली रहते हैं, सो एंड यू नीड टू शेयर एवरीथिंग। और अब वक्त है किचन में जाकर गर्मा गर्म चाय बनाने का, जिसमें क्रिप की मदद कर रही है उनकी क्यूट सी भतीजी आयरा। आज सुबह की चाय आयरा मेरे साथ बना रही है, शी इज नॉट माय नीस, शी इज माय एंजल। चाय बनाई चाचू ने आज आयरा की हेल्प से। अच्छी नहीं भी होगी तो भी हम पी लेंगे, ओके? बोलो पी लेना प्लीज। पी लेना। ओके। अरे वाह, प्यारी सी क्यूट सी आयरा ने अपने चाचू के साथ मिलकर बड़ी ही अच्छी सी चाय तैयार की है। तो अब वक्त है क्रिप कपूर सूरी के फैमिली टी टाइम का। देखिए औरतें ही समझ सकती हैं सारे काम, हम मर्द लोग तो समझ में आएंगे नहीं। तो कितने प्यार से सजा भी दी ट्रे, यू नो इट्स कॉल्ड सुपर वूमेन। सो आइए चाय पीते हैं आप और हम साथ में बैठकर, प्लीज कम। सो बहुत कम मौका मिलता है ऐसे इस तरह चाय पीने का, बहुत समय के बाद हम लोग पी रहे हैं ना ऐसे। ये सास बहू और बेटियाँ की वजह से हम चाय पी रहे हैं आज। ये बहुत ज़्यादा प्यार है इनका ना, दो दो रिश्ते हैं ना। मासी मुझे डांटती है रोज। मासी डांटती है रोज, और आयरा कितना परेशान करती है मासी? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। ये दोनों सहेलियाँ हैं, सखियाँ हैं, एक दूसरे के बगैर दिल में नहीं लगता है इनका, तो बस पूरा दिन ऐसा परेशान करती है मासी को, चाची को। चाची है कि मासी है? चाची नहीं है। अपनी फैमिली के साथ चाय पर चर्चा करने के बाद क्रिप हमें लेकर गए अपनी बालकनी में, जहाँ से दिखता है समंदर का नजारा। क्रिप का घर है मुंबई के गोराई बीच के पास, जहाँ से सीधे समंदर की ठंडी हवा उनके घर के अंदर आती है। क्रिप हमें लेकर गए अपने बेडरूम में, जहाँ पर उन्होंने हमें दिखाया अपने फैंस के भेजे हुए गिफ्ट और अपनी क्रिएटिव वाइफ के हाथों से बनाई बहुत सारी खूबसूरत चीजें भी दिखाई। ये स्केच वन ऑफ माय फैन बॉम्बे से ही है, वो उसने बनाया था जब मैं साडा हक कर रहा था। एंटीक पीसेस लाइक क्लिप 5-5 पैसों से बना के, दिस इज वेरी नाइस स्वीट। और ये भी सब सारे साडा हक मेरे जितने भी फैंस लोग हैं, ये लोग सब दे कीप ऑन सेंडिंग मी ऑल द गिफ्ट। मेरा पहला अवार्ड फेवरेट बेटा का जी रिश्ते अवार्ड जी का जो मैं शो कर रहा हूँ, जीत गई तो पिया मोरे। शूट का फील लेना होता था, उन्होंने अपना पूरा जैसे डिजाइन किया एकदम लाइट के साथ, ताकि चेहरे की खूबसूरती जो है ये रोशनी, रंगीन लाल रोशनी की तरह रहे। तो शी हैज क्रिएटेड ऑल, शी इज वेरी क्रिएटिव।
टांग दिए यहाँ पर। जब तक तुझे प्यार से बेइंतहा मैं भर ना दूं, जब तक मैं दुआओं सा सौ दफा तुझे पढ़ ना लूं, हाँ मेरे पास तुम रहो जाने की बात ना करो, मेरे साथ तुम रहो जाने की बात ना करो। अपने घर की सैर करा दी, अपनी फैमिली से मिलवा दिया, अपनी सुपर वुमन वाइफ से भी मिलवा दिया, अपने हाथों की गर्मा गर्म चाय भी पिला दी। और अब वक्त है क्रिप के काम पर जाने का, तो देखिए सबको बड़े ही स्वीटली गुड बाय किया और निकल पड़े अपने सेट के लिए। फैमिली और अपनी धर्मपत्नी को बाय बोलकर क्रिप अपने सेट पर जाने के लिए निकले। सफर लंबा है और सास बहू और बेटियां साथ है तो गपशप तो होगी ही। रास्ते में क्रिप ने अपनी जिंदगी और अपने एक्टिंग करियर से जुड़ी कई सारी बातें हमें बताई, वो कैसे मुंबई आए, कहां से शुरुआत की और कैसे एक्टिंग के इस मुकाम तक पहुँचे। मेरे लिए खुद के लिए बहुत इंस्पायरिंग रही है क्योंकि मैं जब आया था तब मैं कुछ भी नहीं था, मतलब आई हैड नथिंग, आई डोंट, मुझे मैं किसी को जानता भी नहीं था, मेरी पहचान भी किसी से नहीं थी। और एक तो नगर महाड़ा यहाँ पर मलाड में है, बड़ा फेमस अठारह कॉलेज के बाजू में, सारे स्ट्रगलर्स जितने भी थे जो अब सबसे पहले वहीं पर ही आके लैंड करते थे, तो मैं भी उनमें से एक था। फिर एक कॉल सेंटर में नौकरी के लिए अप्लाई किया, साइटल अंधेरी ईस्ट में एक कॉल सेंटर था साकीनागा के पास, 9,500 में मेरी पगार लगी महीने की। सो भगवान ने रोक लिया मुझे, मेरे को कुछ 8 साल लगे पहला शो पकड़ने में। 2010 में मुझे पहला शो मिला मान रहे तेरा पिता, अनदर शो आई गॉट इट फॉर जी ओनली, वो था सरगुन के साथ, सरगुन मेहता के साथ मेरा शो था, गीता का, गीता के अपनों के लिए गीता का धर्म युद्ध। तो साइमल्टेनियसली आई वाज डूइंग फ्यू फिल्म्स आल्सो, तो कुछ 6 फिल्में की थी मैंने। वापस आया आते ही 15 दिन में मुझे शो मिला बहुत बड़ा सावित्री, जो कि चला क्रिटिकली, बहुत एक्लेम उसको, बहुत अप्रिसिएशन मिला मुझे भी मिला। बट द जर्नी लाइक उतना एक चेंज ओवर आता है, एक मोड़ लेती है। दैट हैपेंड विद साडा हक। साडा हक वॉज लाइक इट्स लाइक अ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। साइमल्टेनियसली करते करते महाराणा प्रताप मिला, उसमें अकबर प्ले किया, फिर उससे पहले उत्तरन था जो मैंने कैमियो किया था। एंड व्हेन आई वाज डूइंग साडा हक और महाराणा प्रताप, बहुत कम दिन मेरे यूटिलाइज होते थे दोनों शो करके, तो संतुष्टि नहीं मिलती थी क्योंकि आई एम वेरी पैशनेट वर्क अल्कोहलिक, मुझे महीने में 30 दिन काम करना बहुत अच्छा लगता है। सो मैं चले गया बालाजी में, कलश के लिए नेगेटिव चाहिए था, सब लोग नेगेटिव के लिए बुलाते थे। थैंक्स टू एकता कपूर दैट शी गेव मी अ चांस टू बी अ मेन लीड ऑफ कलश लव स्टोरी एंड आई गॉट दिस शो। अगेन इट्स अ डिफरेंट शो, different character with different diction, language. मुंबई के गुरई से नायगांव तक करीब 1.5 घंटे का सफर तय कर क्रिप कपूर सूरी पहुँचे अपने शो जीत गई तो पिया मोरे के सेट पर, और सेट पर पहुँचकर उन्होंने मिलवाया अपने यूनिट के लोगों से जो दिन रात शो बनाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। बहुत लाइट लगी मुझे देखा, तुम्हारे सिर्फ दांत दिखेंगे, कोई दिखा दो का था। बहुत टाइम लगेगा, इनका भी कैमरा दिखा देगा, तुम तो अच्छे दिख रहे हो। इनके बगैर परमिशन नहीं मिलती ना भाई साहब। तो ये हमारा सेट है, बड़ा खूबसूरत सा सेट बना हुआ है, बड़ा प्यारा सा। जीत गए तो पिया मोरे, माता रानी मेरे साथ मेरे हर शो में रहती हैं। He is also one of the production guys, Sunil ji. Hello. Takes care of me a lot. ये स्पॉट वाले, ये हमारे पूरा ख्याल रखते हैं, खाना चाय पानी सब कुछ। He is the captain of ship. Hi, hi. अमित गुप्ता, he is the director, he is the man, he is the only one, जिसकी वजह से शो इतना अच्छा खूबसूरत दिख रहा है। ये सबको जाके कोई ना डिस्टर्ब करे, हिल हिल के आज हिला दो कोने कोने। Hi. He is, she's Devi. Devi. Devi Adhiraj Rajavat. तो. Hello, Padidev. Padi. On screen. Padidev on screen. Of course. Of course. You know ये गुजरातन हैं, बट कभी कभी एक्शन भी बड़ा अच्छा मार लेती हैं। कौन सा एक्सेंट?
कौन सा एक्सेंट? What are you talking about? Did you see that? वो तो नॉर्मल है. That's normal. Yeah. So बहुत सारे इनके रूप हैं देखने को मिलेंगे रियल लाइफ में भी और रियल लाइफ में भी है ना डिफरेंट है. तो कुछ कहना चाहेंगी आप इनके बारे में? मेरे बारे में? Oh my God, बहुत कुछ कह सकते हैं. बहुत लंबा चौड़ा ऐसा बोलते हैं यार. कृप कपूर सूरी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अधिराज रजावत. कृप कपूर सूरी इज अ पैकेज द लाइफ ऑन द सेट. तो बहुत मजा आता है सबको उसके साथ बड़ा मजा आता है सबकी टांग खींचता रहता है. बट वेन इट कम्स टू वर्क लाइक वन सेकेंड एंड डैम सीरियस फोकस फोकस फोकस. तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग अबाउट हिम कि एक ही झटके में वेन इट्स बिजनेस ही विल टॉक बिजनेस एंड वेन इज लाइक वेन इट्स कट देन ही विल बी लाइक ही विल डू ऑल हिज फन. सेट की सैर और अपने यूनिट के लोगों के साथ बातचीत करने के बाद अब वक्त है क्रिप के लंच का. तो आइए जरा जानते हैं कि क्रिप के डब्बे में आज क्या क्या है. घर की सब्जी है. आई थिंक इट्स तोरी. आई लव तोरी. घर की बनी हुई भाभी ने बनाई शायद. घर की दाल है भाभी ने बनाई है. रोंगी है. पंजाब में इसको रोंगी बोलते हैं. नहीं लोबिया बोलते हैं. यहाँ क्या बोलते हैं? चौली. चौली ना यहाँ पर चौली बोलते हैं. पंजाब में रोंगी बोलते हैं. दिल्ली में लोबिया बोलते हैं. कुछ तो सामान तो मैंने निकाल लिया. देखिए जैसे ये था मेरे आइस बॉक्स में. ये था मेरे आइस बॉक्स में. ये तीन चीज़ें मेरे आइस बॉक्स से आई हैं. और मेरे आइस बॉक्स में क्या है? फ्रूट्स एक पूरी मील है. बर्फ है. अगर गुस्सा आ जाए तो सर पे बर्फ रख के ठंडा कर. मेरी तरफ से आप सभी के लिए ये आप खाइए और थोड़ा सा आपका चखवा मैं खा लेता हूँ. एक और इम्पोर्टेंट पर्सन मेरी जिंदगी का जिसकी बहुत ही इम्पोर्टेंस है मेरी लाइफ में. इज वेरी वैल्यूएबल. बहुत दिल के करीब है. काफ़ी सालों से मेरे साथ है. इसका नाम है शोमिरॉन समीर अंकुर. और ये मेरा ख्याल रखता है. मुझे हर दो घंटे के बाद मेरी जो मील होती है उसका ख्याल रखता है. कोई भी मेरी मेडिसिन होती है उसका ख्याल रखता है. और अब वक्त आ गया है कृप कपूर सूरी से अधिराज रजावत बनने का. तो शुरू हो गया क्रिप का मेकअप. कपड़े बदलकर और कुछ मिनटों के मेकअप के बाद क्रिप बन गए अधिराज रजावत और सेट पर पहुंचे अपना शॉट देने के लिए. नापी को ढूंढ रहे हैं. मैं आप ही से मिलने आ रही हूँ. हरापुर से. अच्छा हुआ ना बीच में ही मिल गए. मैंने देखा है ये बीच का रास्ता ना बड़ा ही कमाल का होता है ना. अच्छा मैं आपको ये देने आ रही थी. पूरे दिन के काम के बाद इंसान आमतौर पर थका हारा घर पहुंचता है. लेकिन क्रिप बाकी लोगों से अलग है. देखिए जरा पूरे दिन के शूट के बाद भी घर पहुंचे और यहां पर अपने पड़ोसियों के साथ बैठ गए वीकेंड जैमिंग सेशन के लिए. अपने परिवार और दोस्तों के साथ बैठकर घंटों गाना गाते रहे. तो चलिए उम्मीद करते हैं क्रिप हमेशा ऐसी ही अपनी फैमिली और अपने दोस्तों के साथ हंसते मुस्कुराते रहें और हाँ हमेशा ऐसे ही ऑन स्क्रीन दर्शकों का मनोरंजन भी करते रहें. लतिका पंडित, मुंबई, आज तक. सारी सारी रात कंधा पर ढूंढूंगा.